मैं तो मुरली सुनना शुरू कर दिया, योग की अनुभूतियां बढ़ती गई, जैसे अंदर से ही जैसे ना वो प्रस्फुटित होते चला गया सारा ज्ञान। ऐसा था कि जैसे वो ज्ञान मुरली में सुनता गया, खुद की अनुभूति होती गई, ज्ञान क्लियर होता गया, वो पहचान होती गई, अंदर से शांति संतुष्टता सुख की महसूसता बढ़ती चली गई। आप देखिए रामायण में भी गीता में भी इसके बहुत सुंदर उल्लेख हैं, है ना। अर्जुन जब युद्ध के लिए नकार रहा है कि मैं किसको मारूं, अपने भीष्म पितामह के लिए कि मैं इनको मारूं, किनको मारूं, जो मेरे पिता तुल्य सभी हैं, मैं इनको कैसे मारूं, तो कृष्ण हंसते हैं कि तुम मारोगे किसको, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर तो विनाशी है, है ना, तुम किसको मार रहे हो, तुम्हारा ये भ्रम है तुम किसी को मार रहे हो, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर विनाशी है और ये सब आत्माएं हैं, देह नहीं है, है ना।